विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय भवन से शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता रैली को डॉक्टर राज शरणशाही और प्रोफेसर सुषमा पांडे ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शिक्षा संकाय भवन से होते हुए कलेक्ट्रेट चौक, गोलघर, गणेश चौक, डीएम आवास से होकर पुनः शिक्षा संकाय भवन में समाप्त हुई। डॉक्टर राज शरणशाही ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश और समाज के लिए कार्य करने वाला छात्र संगठन है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र इस देश की जनता के लिए महान पर्व के रूप में आता है। रैली के माध्यम से बच्चे एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर भारत में एक मजबूत सफल सरकार देनी है तो हर व्यक्ति को अपने घर से हर काम को छोड़ के, हर समस्या को छोड़ के मतदान करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर राज शरणशाही ने कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश और समाज के लिए काम करने वाला एक छात्र संगठन है। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र इस देश की जनता के लिए एक महान पर्व के रूप में आता है, इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागिता हो और एक मजबूत सरकार, एक ऐसी सरकार जो देश के लिए समर्पित हो, देश की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे, जातिवाद से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त, नक्सलवाद से मुक्त भारत के निर्माण में सकारात्मक भूमिका के साथ मतदाता इस चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें, इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वोटिंग नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट नाम से एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली है, जिसके माध्यम से आम जन की लोकतंत्र में सहभागिता बढ़े, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है।